हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मैक एंड चीज़ बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने एल्बो मैक्रोनी लेके इसको बॉईल कर लिया था, हल्का सा सॉल्ट डाल के और कुकिंग ऑयल थोड़ा सा एक चमचा डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया है। ये तकरीबन 1 kg मेरे पास एल्बो मैक्रोनी थी जो मैंने बॉईल करके रख लिया है। इसके अलावा हमें चाहिएगा 2 कप मिल्क, 1 egg, आप चाहे तो 2 eggs भी ले सकते हैं। इसमें जो है 1 egg डलता है। इसके अलावा हम लेंगे तकरीबन 1/2 कप बटर, 3 tablespoon भर के हम मैदा लेंगे, 1 tablespoon इटालियन सीजनिंग लेंगे, 1/2 tablespoon हम मिक्स हर्ब लेंगे, 1 tablespoon रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर या वाइट पेपर जो भी आप यूज़ करना चाहें, 2 chicken cubes हम लेंगे। उसके अलावा हम हसबे ज़रूरत नमक डालेंगे, क्योंकि जो हम चीज़ वगैरह यूज़ करते हैं उसमें ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए हम नमक बिल्कुल एंड में डालेंगे अगर ज़रूरत हो। इसके अलावा मैंने 1 bar जो है तकरीबन आप समझ लें 500 ग्राम से कम मैंने जो है शेडर चीज़ ली है, उसको मैंने ऐसे काट लिया, आप शेड भी कर सकते हैं। और 1 bowl मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। सबसे पहले हम बटर जो है वो मेल्ट कर लेंगे। बटर हमारा मेल्ट हो रहा है, साथ ही मैं इसमें मैदा ऐड कर दूंगी। अब हम इसको 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे ही मैदे को भून लेंगे और साथ ही हम इसमें चिकन क्यूब्स और हमारे जो मसाले वो ऐड कर देंगे। ये देखें, चिकन क्यूब्स डाल दिए मैंने। आंच को अब हम जो है कम कर लेंगे। ये देखें, हमारा मैदा भी भून गया है और मसाले भी। अब मैं इसमें 2 कप मिल्क ऐड कर दूंगी। ये देखें, मैंने 2 कप मिल्क डाल के इसको ऐसा पेस्ट सा बना लिया है। अगर आपको मिल्क कम लगे तो आप मिल्क बढ़ा भी सकते हैं और वो आपको अपने पेस्ट के लिहाज से अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपने मैदा ज़्यादा लिया है तो आपको 3 to 4 cup भी मिल्क आप उसमें ऐड कर सकते हैं। 2 कप मिल्क ऐड किया है। अब मैं इसमें जो हमारा एग था वो भी ऐड कर दूंगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे जब तक इसमें उबाल आ जाए। अब मैं इसमें जो है चीज़ ऐड कर दूंगी। हम जो शेडर चीज़ थी वो हम सारी डाल देंगे और साथ ही हम थोड़ी सी मोज़रेला भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, मैंने चीज़ भी इसमें डाल दी और मैं इसको अब मेल्ट होने दूंगी चीज़ को। और थोड़ी सी हमने मोज़रेला चीज़ बचा ली है, 1/2 तकरीबन मोज़रेला चीज़ मैंने बचाई है और थोड़ा शेडर चीज़ भी बचाई है। ये बस मेल्ट हो जाएगी, फिर हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे, क्योंकि हम जब बेक करेंगे तो हमें ऊपर से बाकी चीज़ डालेंगे। अगर आप लेयर लगाना चाहें तो आप लेयर भी लगा सकते हैं चीज़ की, लेकिन इस तरह ज़्यादा अच्छी बनती है। ये देखें, ये हमारी चीज़ मेल्ट होना शुरू हो गई। अब मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूंगी और आंच को हम हल्का कर देंगे। अब इसको जल्दी जल्दी तेज़ हाथों से हम मिक्स कर लेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। ये मैंने जो है एक बेकिंग ट्रे में निकाल लिया है और अब मैंने इसके ऊपर शेडर चीज़ के कुछ स्लाइस डाल दिए हैं। अगर आपके पास स्लाइस वाली नहीं होता, आप बार हो तो शेड करके डाल सकते हैं। उसके अलावा मोज़रेला जो हमने बचाई थी वो भी हम इस पर डाल देंगे और इसको बेक करने रख दूंगी तकरीबन मैं 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। और अगर आप ये देख रहे हैं 20 मिनट बाद भी आपकी मैक्रोनी में कलर नहीं आ रहा, तो आप इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आप लो फ्लेम पे ब्रॉयल कर दीजिएगा। मैं इसको 400 फ़ारेनहाइट पे बेक कर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मैक एंड चीज़ तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।